जब रीमेट में बॉबी देओल को मिला था इतना बड़ा धोखा, करीना के एक फैसले ने बर्बाद कर दिया करियर शाहिद कपूर और करीना कपूर के लिए। फिल्म जब रीमेट मिल का पत्थर साबित हुई थी, यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई थी। आज इस फिल्म को रिलीज हुए 10 साल हो चुके हैं। साल 2007 में आई इस फिल्म में शाहिद और करीना की जोड़ी ने धमाल मचाया था। फिल्म के लिए करीना कपूर को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग हिमाचल प्रदेश और उसके आसपास के एरिया में हुई थी। दर्शकों को बड़बोली गीत और गंभीर शांतादित्य कश्यप बेहद पसंद आए थे। पढ़ें के बीसी से सुशील कुमार ने जीते थे 5 करोड़ रुपए। जाने अब किस हाल में जी रहे हैं। आज हम आपको इस फिल्म के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डायरेक्टर इम्तियाज अली ने जब ये फिल्म लिखी थी तो उन्होंने इसमें बॉबी देओल को कास्ट करने का फैसला किया था। पढ़ें, बाहुबली के भलाल देव ने बना लिया ये कैसा हाल। घर वाले भी देख कर हुए हैरान। उस समय बॉबी देओल की हमराज और अजनबी जैसी फिल्में हिट हुई थी। हालांकि ये मल्टी स्टारर फिल्में थीं। जब रीमेट के लिए इम्तियाज की पहली पसंद बॉबी ही थे। दरअसल बॉबी ने इम्तियाज की फिल्म सोचा ना था देखी थी। इस फिल्म में बॉबी देओल के कजिन अभय देओल ने काम किया था। बॉबी को ये फिल्म बहुत पसंद आई और वो इम्तियाज से मिलने पहुंच गए। बॉबी ने इम्तियाज से कहा कि वो उनके साथ काम करना चाहते हैं। तब इम्तियाज ने उन्हें जब रीमेट की स्क्रिप्ट दिखाई, उस वक्त इम्तियाज ने इस फिल्म का नाम गीत रखा था। इम्तियाज ने ये फिल्म बॉबी को ऑफर कर दी। अब उन्हें एक हीरोइन की जरूरत थी, इसलिए बॉबी ने अपनी को स्टार रह चुकी करीना कपूर को गीत के रोल के लिए सजेस्ट किया। इम्तियाज और प्रोड्यूसर्स ने फिल्म के लिए करीना कपूर से कॉन्टैक्ट किया, लेकिन करीना ने ये फिल्म करने से मना कर दिया। वो इम्तियाज से मिलना तक नहीं चाहती थी। तब बॉबी ने इम्तियाज को अपनी एक और को स्टार प्रीति जिंटा का नाम सजेस्ट किया। प्रीति ये फिल्म करने के लिए तैयार होगी, लेकिन डेट ना होने की वजह से शूटिंग शुरू नहीं हो पाई। ये प्रोजेक्ट लंबे समय तक लटका रहा और दिन बीते गए। फिर अचानक बॉबी ने कहीं पढ़ा कि अष्टविनायक प्रोडक्शन ने इम्तियाज अली को जब रीमेट के लिए साइन किया है, साथ ही फिल्म में करीना और उनके बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर को साइन किया गया है। ये पढ़कर बॉबी ने कहा, वाओ, क्या इंडस्ट्री है। इसके बाद इम्तियाज ने बॉबी को फिल्म हाईवे ऑफर की थी, लेकिन बाद में उन्हें हटाकर रणदीप हुड्डा को साइन कर लिया। बॉबी का कहना था, इसके लिए मैं इम्तियाज से कभी नाराज नहीं हुआ। मैं दुखी जरूर था, लेकिन हम आज भी अच्छे दोस्त हैं। मैंने इम्तियाज से कह दिया है कि मैं तब तक तुम्हारी कोई फिल्म नहीं देखूंगा जब तक तुम मेरे साथ कोई फिल्म नहीं कर लेते। वो तुम्हारी लाइफ की बेस्ट फिल्म होगी।